पाजी साथ छा गए तुसी, तालिया तालिया जोरदार तालिया पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लिए पहली दफा आए हैं एजेंडा आज तक में और आते के साथ ही माहौल बना दिया ये आरोप लगता था कि पंजाब के मुख्यमंत्री उठते बड़े लेट हैं काम बड़ी देरी से स्टार्ट करते हैं बड़ा जल्दी खत्म हो जाता है उनका दिन लेकिन अब चुनाव से पहले पूरे इक्वेशन को चेंज करने की कोशिश एक आम आदमी चीफ मिनिस्टर की इमेज को आगे लाने की कोशिश अब बड़ी लड़ाई यह है क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो एक आम आदमी चीफ मिनिस्टर मिलेगा अब ये बीच में चरणजीत सिंह चन्नी जी आ गए कहते कि मैं ही यूं आपको दूसरे की क्या जरूरत है सर स्वागत है आपका एजेंडा आज तक में और शुरुआत हम करना चाहते हैं इस बात से कि क्या आपको कभी लगा था कि एक दिन आप यहाँ हो गया एजेंडा आज तक में बतौर पंजाब चीफ मिनिस्टर न केवल भांगड़ा पा रहे हो गए बल्कि बताओगे कि कांग्रेस को इलेक्शन में जिताने की आपकी रणनीति क्या है राहुल गांधी ने कहा कि आपको रोना आ गया उस टाइम पे जब आपको पता चला कि आप चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं क्या ये बात सही है एक्चुअली जब uh, मैं तो इस रेस में नहीं था जब uh, मुझे टेलीफोन आया कि आपको सीएम बनाया जा रहा है मैं अपने घर में था पहले तो मुझे कहा कि चंडीगढ़ पहुंचो तो मैं चंडीगढ़ पहुंचा तो कॉल आई राहुल गांधी जी की कि आपको सीएम बनाया जा रहा है मैंने कहा यार क्या कर रहे हो मेरा बर्तन तो बहुत छोटा है इसमें कितना पानी डालोगे मैं ये इसके काबिल नहीं हूँ किसी और को बना लो तो मैं रोने लग गया सीरियसली तो उन्होंने कहा नहीं हमने बहुत सोच कर डिसीजन लिया है और आपको ही बनाया जा रहा है ये बात हुई थी तो अभी करीब पचहत्तर दिन हुए हैं आपको चीफ मिनिस्टर बने अब तक की बतौर चीफ मिनिस्टर आपकी जो पारी है अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने अब अप तक के काम का एनालिसिस कैसे करते हैं आप क्या कहेंगे क्या आपने किया है जिससे आप खुश हैं क्या आप करना चाहते थे जो आप नहीं कर पाए ऐसा है कि मैं अपना पूरा समय इसमें दे रहा हूँ जो बचपन से आज तक सीखा है वो इसमें दे रहा हूँ जो बचपन से आज तक एक गरीब आदमी कैसे ऊपर उठता है मिडिल क्लास फैमिली में शामिल होता है कैसे उसको मुसीबतें आती हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स वो झेलता है उन प्रॉब्लम्स का हल कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली पंजाब में हर किसी की समस्या का हल हो रहा है अगर एक गरीब आदमी बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है तो मैंने ये देखा है तो मैं उसकी उस समस्या का हल कर रहा हूँ एक गरीब आदमी के घर में बिजली का बिल देने के बाद पैसे नहीं बचते तो मैं उसका हल कर रहा हूँ गरीब आदमी किसान को खेत में जाना है फसल करनी है डीजल महंगा है उसकी फसल का दाम कम है डीजल में ही चला जाता है तो मैं डीजल कम कर रहा हूँ पेट्रोल महंगा है तो मैं दस रुपये पेट्रोल कम किया है मैं वो काम करता हूँ जो आम लोगों को समस्याएं हैं मैं उनका हल करता हूँ तो अब यही बात है कि घर घर में ये चिल्ली गल सरकार कर रही है मसले हल तो मैं मसले हल कर रहा हूँ सबके और मैं इसमें खुश हूँ कि मैं उन लोगों को दे रहा हूँ जिनको ज़रूरत है अच्छा अगर हम लोग क्रिकेट की दुनिया से जोड़ के देखते हैं तो एक बड़ा कप्तान था वो बैटिंग कर रहा था उसकी पारी ख़त्म हुई एक दूसरा कप्तान था जो कि पविलियन uh, में बैठा हुआ था पैड लगा के और सब लोगों को लग रहा था जो ऑडियंस में बैठे हैं कि अब दूसरा कैप्टन आने वाला है पूरा एकदम बैट्समैन तैयार था पैड लगा के कि नवजोत सिंह सिद्धू आएंगे वो कैप्टन बनेंगे वहां से आ गए चन्नी साहब तो क्या आप अपनी भूमिका को एक नाइट वॉचमैन की भूमिका के तौर पर देखते हैं या आपको लगता है कि पंजाब का कप्तान अब आप थोड़ा सा इसको उल्ट कर लो बात को दारू पी के पहले वाला बैठा हुआ था जो दूसरा आया वो उधर दारू नहीं पीता था उसने कमान संभाल ली फिर हमारे से जो पहले थे उनका ये ट्रेंड था उनका ये कल्चर था कि जी दिन में दो घंटे काम करेंगे अब मैं दिन में दो घंटे ही काम नहीं करता हूँ बाकी सब टाइम करता हूँ पहले वो समझते थे यार ये क्या करेगा अब ये देख रहे हैं ये इसका क्या करें स्थिति बदल गई अब तो मैं पूरा अब लोगों को ये नहीं पता लगता ये सोता कब है तो मैं अपनी तरफ़ से पूरा समय दे रहा हूँ और मेरा काम ही मेरे लिए ज़रूरी है मेरे विरोधी पार्टी वाले क्या सोचते हैं वो क्या बोलते हैं मैं उनको अच्छे आलोचक मांग मानता हूँ और उनसे सीखता हूँ वो मेरे बारे में जो बोलें मुझे अच्छा लगता है क्योंकि अगर क्रिटिसाइज नहीं होंगे आप तो आपको पता कैसे चलेगा आप सभी प्रशंसक हो जाएंगे आपके एक्चुअली आम तौर पे होता है हर कोई सीएम के पास जाता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी ये बहुत अच्छा हो रहा है ये बहुत लेकिन जब कोई दूसरा विरोध में कुछ बोलता है उससे पता चलता है मेरे में कमियाँ क्या है तो मैं उससे सीख कर कमियाँ दूर करता हूँ आपने जवाब नहीं दिया आप अपने आप को पंजाब के कप्तान के तौर पे देखते हैं या चुनाव तक नाइट वॉचमैन के तौर पे देखते हैं अरे ये टीम वर्क होता है अगर आप कप्तान बनकर ही घूमने लग जाएंगे ना तो टीम काम नहीं करेगी आपके साथ दिस इज़ ए टीम वर्क ओनली अगर टीम के सभी प्लेयर खेलेंगे तभी टीम जीतेगी कप्तान बनकर आप खेलते रहो दूसरे ना खेलें तो मैं सबको साथ लेकर चल रहा हूँ मैं अपने आप को कप्तान मानकर नहीं चल रहा हूँ मैं भी एक प्लेयर हूँ और हमने पंजाब को आगे लेकर जाना है यही हमारी गेम है यही हमारी जीत है हम जीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं इकट्ठे होकर इस वक्त जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पर कल रात में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठे थे और वो कह रहे थे कि एक नकली केजरीवाल घूम रहा है कि असली आम आदमी मैं हूँ चन्नी नकली केजरीवाल है नकली आम आदमी है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ अगर ऑटो वालों से मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ चन्नी को पता चलता है पहले चन्नी पहुँच जाता है कि जो जो आम आदमी पार्टी करना चाह रही थी आप चाहते हो कि कांग्रेस में रहते हुए आम आदमी पार्टी के एजेंडे पे आप चल जाओ कल केजरीवाल जी आए थे तो आप उनको ये ड्रामा और पंगड़े के साथ लाए थे भांगड़ा आता है उनको भांगड़ा करना मैं यही पूछ रहा हूँ ना आप उनको भंगड़े के साथ नहीं लेकर आए ना क्योंकि आपको पता है ये पंजाबी नहीं है आपने उसको पंगड़ा डालने के नहीं बोला ना आपको पता है इसको क्या पता है पंगड़ा क्या चीज़ होती है आप मुझे क्यों यहाँ लेकर आप मेरे लिए पंगड़ा क्यों डाल रहे हो मेरे लिए मेरे गांव की बात क्यों करते हो लोग मेरे से आम आदमी की क्यों बात करते हैं गरीब की क्यों बात करते हैं उनको पता है ये गरीबी से उठा है उनको पता है इसको पंगड़ा भी आता है ये गाने भी सुनता है ये काम भी करता है ये मजदूरी भी इसने करके देखी है इसलिए मेरे से पंजाब की बात करते हो वो लोग यहाँ से जाकर पंजाब को समझना चाहते हैं पंजाब पे कब्जा करना चाहते हैं राज करना चाहते हैं वहाँ अरे हम हमें पंजाब का पता है हम पंजाबी हैं हमें पता है क्या समस्याएं हैं हमारी आप छोड़ो हमें हम खुद अपना मैनेज आप कर लेंगे अपना घर हमें अपना घर चलाना आता है हम बहुत अच्छी तरीके से चलाएँगे आपको कोशिश करनी थी आप कर चुके लास्ट बार भी कर चुके इस बार भी कर चुके आप अब अंग्रेजों से हम कितने परेशान थे पूरे देश ने अंग्रेजों को निकाला अब ये बाहर से हमारे ही अंग्रेज मन करे आगे पंजाब में कि हम पंजाब में हम राज करेंगे अच्छा ये इंटरेस्टिंग है वो आपको नकली केजरीवाल कहता है आप उनको नकली पंजाबी बोल रहे हो नहीं 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 पहले उसने मुझे कहा कि ये नकली आम आदमी फिर उसको समझ आई अरे मैं गलत कह गया ये तो खुद आम आदमी है मैं आम आदमी नहीं हूँ फिर उसने कहा नहीं ये नकली केजरीवाल है अरे मैं अब केजरी नकली केजरीवाल क्यों बनूं बुन, भाई मैं कोई नकलिया थोड़ी ही हूँ मैं तो असलियत में हूँ पंजाबी और पंजाब के लोगों का आम आदमी ये लोग ड्रामा करते हैं एक बंदा पोज करता है कि मैं ये हूँ दूसरा एक्चुअल में है तो मैं उसकी जगह क्यों जाऊं मैं अपनी जगह अपनी जगह ठुक गया नहीं पर यह भी तो हकीकत है कि जो आम आदमी पार्टी का एजेंडा है पंजाब में आपके जो कदम रहे हैं आपके जो फैसले रहे हैं वो उसी एजेंडे पर आप बिजली कम करने की बात करते हो बिजली का जो बिल है वो कम करने की बात करते हो आप जिन स्कीम्स की चर्चा कर रहे हो बार बार वो एक कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो विजन है या मैनिफेस्टो है लगता है कि उसी को कॉपी करने की एक कोशिश है ऐसा क्यों होता है कि जब नी, नीग, 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 बात ये बात करती है कि केजरीवाल जा रहे हैं ऑटो वालों से मिलने के लिए तो चन्नी केजरीवाल के ऑटो वालों के पास पहुंचने से पहले खुद पहुंच जाता है अरे अब केजरीवाल को क्या पता कैसे रिक्शा चलाया जाता है मैंने तो चलाया है ना अब असली में मैंने पढ़ा था आपने असली में चलाया ऑटो रिक्शा ऑटो रिक्शा तो तब होते ही नहीं थे ना मैं तो रिक्शा चलाया है जो मतलब ऐसा है कि मेरे पिताजी का टेंट हाउस था अब जिसका टेंट हाउस होगा वो टेंट भी लगाएगा दरिया भी बिछाएगा और उसको ले जाने के लिए रिक्शा भी चलाएगा उस समय इतने बड़े नौकर तो होते नहीं थे ना कि आजकल तो टेंट हाउस भी दिल्ली में जो है वो तो टेंट वाला बाद में आता है पहले तो दो चार ट्रक आते हैं वहाँ हमारे तो एक ट्राली पे या एक रिक्शा रेडी पे ही सामान जाता था तो मैं रिक्शा रेडी पे सामान लेकर जाता था मुझे पता है रिक्शा कैसे चलता है मुझे पता है टेंट कैसे चलते हैं अब ये कहते हैं जी इसको क्या क्या पता है अरे जिसने गरीबी से निकलना है उस लड़के को पूछो जो गरीबी से निकल के आया है उसको क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं आज जिसका शोरूम है उससे पहले उसका खोखा था उससे पहले उसने फड़ी लगाई हुई थी वो फड़ी से खोखे पे आया है खोखे से शोरूम पे गया है उसे आगे बढ़ रहा है गरीब आदमी को स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ता है ये जो पैराशूट वाले हैं ये समझते हैं ये इसने क्या क्या किया है यार अरे करना पड़ता है सब कुछ ज़िंदगी में जब जिंदगी में आप आगे बढ़ोगे तो आपको नीचे से उठना है तो हर स्टेप पे आपको काम करके ऊपर जाना है और हर स्टेप की आपको समझ आती है हमें पंजाबियों को वो हर चीज़ की समझ है अब ये कहते हैं कि ये क्या क्या करते हैं हमारा एजेंडा लेते हैं हमारा एजेंडा उनका एजेंडा नहीं है ये हमारी समस्याएं हैं जिनको हम हल कर रहे हैं वो लोग तो आकर सर्वे करा कर पता करते हैं कि इनकी समस्या क्या है पंजाबियों की हमें खुद का, अपनी समस्या का पता है तो हम अपनी समस्या हल कर रहे हैं सर ये सारी बातें तो बड़ी अच्छी हैं वो ये कि अगर एक टीम हो अब पंजाब कांग्रेस की टीम में प्रॉब्लम ये है कि यही नहीं पता कि चन्नी के लिए बैटिंग कौन कर रहा है और चन्नी के खिलाफ बैटिंग कौन कर रहा है अब जैसे नवजोत सिंह सिद्धू हैं उनके बयान में पढ़ता हूँ फिर सोचता हूँ कि ये आपकी टीम में है आपके साथ हैं या आपके खिलाफ हैं इस वक्त शरीफ पाजी साहब का रिश्ता कहते ऐसा नहीं है नवजोत सिद्धू जी हमारे प्रेसिडेंट हैं और पार्टी ने पार्ट जो सीएम है जो गवर्नमेंट है पार्टी की उसने पार्टी की आइडियोलॉजी पे काम करना है पार्टी जो दिशा निर्देश देती है जैसे कांग्रेस है सेकुलर पार्टी है सेकुलरिज़म पे काम करती है तो हमने उस तरीके से करना है इसलिए नवजोत सिद्धू जी कहते हैं जो हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कोई खामियाँ रह जाती हैं वो फिर कहते हैं तो हम उसको फिर ठीक करने की कोशिश करते हैं ये आलोचना बड़ी जरूरी है क्रिटिसिज्म जरूरी है चाहे वो अपनी पार्टी से भी आए और हम उसको सही तरीके से कर रहे हैं इस बात में कोई सीक्रेट नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू को उम्मीद ये है और पूरा कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए जो उन्होंने मुहिम लड़ी उसकी पीछे वजह यह थी कि वो लग रहा है कि अगला चीफ मिनिस्टर वो होंगे अगर पंजाब में कांग्रेस पार्टी जीतती है क्या आपको ये स्वीकार है अगर नवजोत सिंह सिद्धू को प्रोजेक्ट किया जाए बतौर चीफ मिनिस्टर के तौर पर कोई भी लोग कोई भी नेता राजनीति में आया है उसकी एक सोच होती है कि वो आगे बढ़े एक दिन मुख्यमंत्री बने एक दिन प्रधानमंत्री बने एक दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने अगर आप में ये सोच नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और काम नहीं कर पाओगे प्रॉपर तो अगर ये नवजोत सिंह सिद्धू की भी सोच है तो इसमें क्या बुरा है सोचना चाहिए उसको हाँ ये ठीक है जब सरकार बननी होगी तो पार्टी और जो एम एल ए बनेगी उन्होंने डिसीजन लेना है लोगों ने डिसीजन लेना है जैसे लोग जिसको चाहते होंगे वो सी एम बनेगा अच्छा मैंने दसो आप ऐसी किसी पार्टी में आए और यहाँ पे आपको दिख गए आई एस आई के चीफ जनरल बाजवा आप जप्पी पाएंगे उनको किसको जनरल बाजवा आई एस आई इंटेलिजेंस ऐसा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान कभी इकट्ठे भी थे जो वहाँ के लोग हैं और इधर के लोग हैं उनमें प्यार भी है कईयों की रिश्तेदारी है पंजाब से क्योंकि पंजाब से टूट कर गए लेकिन राजनीति ने यहाँ किदार पे खड़ा कर दिया कि वो आज हमारे बारे में उन बुरा सोचते हैं तो ये एक कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गए थे वहाँ पाकिस्तान में नेबर से ऐसे रिश्ते हों ये हिंदुस्तान की हमेशा परंपरा रही हमारी संस्कृति में है कि हमने सबसे प्यार रखना है सबसे अच्छे रिश्ते रखने हैं हमारी संस्कृति में नफ़रत नहीं है जो हमारे देश की संस्कृति है। तो हम प्यार सबको करते हैं लेकिन अगर हम हमें कोई दबाएगा तो हम सक्षम हैं उसको जवाब देने के लिए ये हमारे देश की परंपरा रही है और यही रहेगी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मैं फिर से पूछता हूँ मेरा सवाल एक बार आप, सुन लीजिए आप देख आप तय कर लीजिए आपको क्या जवाब देना है लेकिन सवाल सुन लीजिए आप एक सभा में यहाँ पे आप एजेंडा आज तक में आए और पाकिस्तानी आर्मी के जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ जनरल बाजवा आपके सामने हैं क्या आप उन्हें झप्पी पाएंगे कि नहीं अरे मेरी बात मैं मैंने फिर कहा है आपको हमारी संस्कृति प्यार की कृष्ण जी हैं कृष्ण जी, है। जी हमारे लॉर्ड हैं कृष्ण ने हमें प्यार सिखाया है प्यार ही सब कुछ है तो, तो आप अपनी तरफ से प्यार दो सबको अगर आपसे कोई दुश्मनई करता है आपके देश को नीचा दिखाना चाहता है तो उसको पूरा पूरा अपनी तरफ से उसको पीछे हटाओ हाँ जी माइक थोड़ा नेड़े कर लो मैं ऐसे ही कर लूँ हाँ के ये भी रखना सड़ा लोगो रख लो तीन तो हटा हाँ जी बोलो बोलो नहीं तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि जब भी पाने में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि प्यार मुझे, मुझे, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम अपने गुरुओं पीरों फकीरों से शिक्षा लें हमारे गुरुओं ने कृष्ण जी ने रामचंद्र जी ने गुरु नानक ने कभी बैर मन में रखने की बात नहीं की सरबत का पला माना है नानक का नाम चढ़ दी कला तेरे पाणे सरबत दा पला सरबत के सबके लिए हमने अच्छा सोचना है कोई देश हमारे देश को नुकसान करने की कोशिश कर रहा है तो हमने उसको पीछे भी हटाना है ये भी बराबर है गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा है हम पहल नहीं करेंगे अब कृष्ण जी ने कितने समय मौका दिया कौरवों को कि यार आखिर में पांच गांव भी मांग लिए जब वो फिर भी नहीं माने फिर भी अपनी सेना उनको दे दी अरे हम कृष्ण के आगे अन्यायी हैं हमने उनको देखना है प्यार देना है सारे दुनिया को और लेकिन अपने आप को सुरक्षित भी रखना है नहीं नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान को अपना बड़ा भाई मानते हैं क्या आप भी इमरान खान को अपना बड़ा मानते हैं? आप कभी गेम खेल खेलते हाँ। हो गोल कीपर हूँ तीन बार पंजाब यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है इसीलिए आप हॉकी में भी गोल कीपिंग करने लगे गोल कीपिंग किया क्योंकि मैं बेसिकली गोल कीपर हूँ तो मैं बचाता हूँ जो भी गलत करता है उसको बचा लेता हूँ राजनीति में भी तो आज भी बचा ही रहा हूँ <laughs> तो ये है कि मुझे नहीं समझ किसको बचा रहे हो सिद्धू को बचा रहे हो कि आईस आई चीफ को बचा नहीं, रहे नहीं मैं अपने आप को बचा रहा <laughs> <था>। <laughs> तो ऐसा है कि मैं गोल कीपर रहा हूँ नेशनल खेला हूँ तीन बार गोल्ड मेडलिस्ट हूँ हैंडबॉल मेरी गेम है जब हम गेम में खेलते हैं एक दूसरे सब भाई ही होते हैं वो इकट्ठे खेले हैं उन्होंने कितनी गेमें इकट्ठी की हैं तो भाई जैसे ही खेलते हैं ना एक दूसरे के साथ दुश्मन जैसे थोड़ा खेलते हैं अगर कोई वो दुश्मनी करेंगे या फौज लेकर आ जाएंगे तो दुश्मनी होगी जब तक साथ खेले हैं तो साथ ही खेले हैं अच्छा मुझे ये मालूम था कि आम आदमी की इनकी इमेज है कि ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज में डिप्लोमेट के रोल के लिए भी अप्लाई कर सकते ये मुझे नहीं पता था तीन चार बार उन्होंने पूछा अलग अलग तरीके से सवाल आपने उसको बड़ा ही बच बच के आपने जवाब दिया आपने कहा कि गोल बजाने की कोशिश की गोल स्कोर ना हो उसकी आपने कोशिश की हाँ होना भी नहीं चाहिए गोल जब देश की बात आएगी तो देश की भी गोल की के भी गोल्ड कीपर ऐसा बनूंगा कि गोल हो ही नहीं सकता नहीं क्योंकि अगर कोई बीजेपी का या विरोधी पार्टी का शख्स आपका ये इंटरव्यू सुन रहा है इस वक्त वो ये कहेगा कि ये पाकिस्तान की तरफ या आर्मी की तरफ या आई आई की तरफ बहुत नरम है बहुत सॉफ़्ट है क्योंकि अगर यही सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछा जाए या गृहमंत्री अमित शाह से पूछा जाए वो कहेंगे कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ़ को या आईएसआई के चीफ़ को गले लगाना एकदम गलत है ये हमारा दुश्मन देश है इसकी सेना यहाँ पे आतंकवादी भेजती है और जो नवजोत सिंह सिद्धू की सोच है वही उनके छोटे भाई चन्नी की भी सोच है ये बड़े नरम है देखो पंजाबी में जो नेशनलिज्म है वो शायद दूसरों में ना हो इसको गुस्सा मत करें आप क्योंकि पंजाब ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं देश के लिए आगे भी देंगे हम बॉर्डर पे बैठे हैं कभी भी लड़ाई लड़ेगी तो सबसे पहले हमारी छाती आनी है और आएगी अब ये जो बीजेपी वाले हैं ये हर चीज़ को नेशनलिज्म पे लेकर आ जाते हैं अरे नेशनलिज़्म कांग्रेस से ज़्यादा आप में नहीं है कांग्रेस ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है कांग्रेस ने कुर्बानियाँ की है हमने अपने प्रधानमंत्री दिए हैं हमने अपने वर्कर दिए हैं कांग्रेस ही आज़ादी की लड़ाई में आगे आई कांग्रेस ने ही आज़ादी की के बाद देश को बचाकर कर लड़ाइयाँ लड़कर देश को बचाकर रखा और देश को आगे बढ़ाया देश हमारी सेना को तैयार किया और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जितने भी रहे हैं उन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ भी दी तो अब हर बात को नेशनलिज्म पर लेकर जाना तो गलत है ना आप अपनी राजनीति को किस तरीके से देख रहे हो क्यों हेट की पॉलिटिक्स करते हो क्यों देश के अलग अलग फिरकों में धर्मों में आप लड़ाई करवाना चाहते हो अरे प्यार की राज आप कृष्ण को क्यों नहीं देखते आप राम को क्यों नहीं देखते आप क्यों ये करते हो कि जी आपने दो फिरकों की लड़ाई करा कर ही इलेक्शन जीतना है अरे क्या किया था आपने पुलवामा में अटैक हुआ और आप उसका क्रेडिट ले रहे हो एक तो हमारे बंदे मरवा दिए और दूसरी तरफ क्रेडिट ले रहे हो हमारा जहाज़ उधर गिरा आप क्रेडिट ले रहे हो पहले इंटेलिजेंस कहाँ थी आपकी क्यों नहीं रोका आपने उनको अरे देश के लिए लड़ना है तो मादे से लड़ो और अपने आप को उसके लिए तैयार रखो हमारी जब करवाने की ज़रूरत आएगी तो सबसे पहले अपनी छाती पे ही खाएंगे गोली ये पंजाबी हैं और ये सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे पे अगर कोई शक करता है तो खुद अपने पे शक कर रहा है हमारे पे नहीं हमारे में जो नेशनलिज्म है इन लोगों में है ही नहीं है हम देश की जो सिक्योरिटी है उस पर कोई राजनीति नहीं करते हैं हम नेशन जब जब देश की बात आती है इकट्ठे हैं देश के साथ हैं और होना भी चाहिए कांग्रेस सेकुलर पार्टी है सबको साथ लेकर चलती है एक फिरकों को पीछे कर कर दूसरे को आगे कर कर लड़ाई करा कर राजनीति नहीं करनी है हमने पूरे देश को आगे लेकर जाना है के, केंद्र सरकार की उम्मीद है कि जो फार्म लॉज हैं उनको वापस लेने के फैसले के बाद जो बीजेपी को लेकर नाराजगी पंजाब के ग्रामीण इलाकों में थी वो अब कम होगी और उन्हें उम्मीद लग रही है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनका अलायंस हो जाए तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जीते ना जीते लेकिन जितनी बुरी स्थिति में पहले वो थे उससे अब स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाएगी लोगों की नाराजगी कम हो जाएगी फार्म लॉस को वापस लेने के फैसले को आप कैसे देखते हैं मैं फैसले लेने की बात पहले फैसला क्यों लिया गया था इसकी क्या जरूरत थी आज एक साल सात सौ आदमी मरवा कर इतना बड़ा एजिटेशन हुआ कितना नुकसान हुआ कितनी इकोनॉमी का नुकसान हुआ आप उसकी भरपाई कब करोगे उसका कौन करेगा जो इतनी जाने चली गई हैं क्यों करवाया आपने ये पहले दिन क्यों नहीं समझा कि ये देश के हित में नहीं है ये देश के किसान के हित में नहीं है ये देश के मजदूर के हित में नहीं है ये पहले भी डिसीजन गलत क्यों हुआ आज अगर वापस भी ले लिया तो क्या करवा कर दी पहले ही क्यों किया अब अगर आप दूर अंदेशी नेता हो तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं इससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है अरे जो देश का अन्न आता है जो देने वाला है आप उसको भिखारी बना रहे हो जिसने हमेशा ऐसे हाथ रखा आपने ऐसे उसका हाथ कर दिया देश का किसान हमें अन्न देता है आज तक देश में कभी अन्न की कमी नहीं आई है नहीं सर पर यह भी तो पंजाब के इस वक्त के कृषि क्षेत्र की हकीकत है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन से फ़ायदे हुए वो अब एक ऐसे स्टेज पे आ गए हैं कि Uh, कृषि पंजाब में बहुत स्टेग्नेट हो गई है जहाँ पे थी वहीं पे फंस गई है जो हम लोग uh, चावल की खेती करते हैं वाटर टेबल जो है पंजाब में बहुत गिरता चला जा रहा है यहाँ तक कि अब राइस uh, का कल्टीवेशन पहले से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया और बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती जो कि पंजाब में है नहीं इस तरह के गंभीर सवाल को आप कैसे देखते हैं अगर ये मैं आपसे पूछूँ कि पंजाब की कृषि में एक नया ग्रीन रेवोल्यूशन आए उसके लिए चीफ मिनिस्टर आपका क्या विजन है कोई आपका प्लान ऐसा है मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला था मैंने उनको कहा वो कहते हैं जी अब चावल इतना ज़्यादा होने लग गया कि संभाला नहीं जाता मैंने एक सिंपल सा फार्मूला दिया था उनको एक सिंपल सा फार्मूला उनको मैंने दिया था कि आप ऑर्गेनिक खेती पे आ जाओ चावल लोगों ने उगाना है उनको बोलो ऑर्गेनिक उगाओ उससे क्या है एक तो चावल अच्छा होगा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी सेहत भी अच्छी होगी तो लोगों को पीएम क्या करेंगे वो तो सीएम आपका स्टेट एग्रीकल्चर पूरी बात सुनो। उसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एमएसपी देना पड़ेगा अब जो रेट है जितना फसल अब हम यूरिया डालकर पेस्टिसाइड डालकर जो जहर है वो डालकर ले रहे हैं उससे सिक्सटी या सेवेंटी परसेंट पे आ जाएगी फसल जब आप ऑर्गेनिक खेती करोगे तो आपको चावल को के दाम उससे ज़्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि वो ऑर्गेनिक खेती से आया है वो केंद्र को करना है मैं इसके लिए इनको निवेदन किया है कि जो अगर तीन लाख मेट्रिक टन आपको ज़्यादा आ रहा है वो कम आने लग जाएगा ऑर्गेनिक खेती होने लग जाएगी देश की सेहत बच जाएगी लोगों को अच्छा खाना मिलेगा आप ऑर्गेनिक खेती के एम एस डिक्लेयर करो तो किसान भी शिफ्ट हो जाएगा उस पर बड़ा अच्छा फॉर्मूला मैंने दिया है अडॉप्ट कर लें जो स्टबल बर्निंग की समस्या है कि पंजाब की खेतों में जो बची हुई फसल है जब उसको जलाया जाता है उससे जो प्रदूषण होता है वो राजधानी में उत्तर भारत के कई शहरों में बहुत बड़ा मुद्दा है और ये एक इमोशनल इशू भी है क्योंकि किसान कहते हैं कि हम पे केस क्यों हम पे मुकदमा क्यों हम पे कार्रवाई क्यों और यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके लिए प्रदूषण उनके बच्चों के लिए बाहर निकलना बहुत बड़ा सवाल है आप इस समस्या को कैसे देखते हैं आपके हिसाब से मुख्यमंत्री महोदय इसका क्या समाधान इसका बहुत ही सिंपल समाधान है आप इस चीज़ को किसान पे थोप रहे हो कि किसान उसको स्टबल बर्निंग जो हो रही है उसको बंद करके उसको कंज्यूम करे वहीं खेत में किसान का इस पर खर्चा आता है पहले ही आप किसान को जो दाम दे रहे हो कम है तो अगर सरकार केंद्र सरकार एमएसपी के साथ कुछ पैसे स्टबल बर्निंग हटाकर उसको वहीं कंज्यूम करने का दे दें तो कोई किसान नहीं करेगा और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जितनी उनको भी एक अथॉरिटी मिल जाएगी कि देखो भैया हम आपको पैसे दे रहे हैं इसको कंज्यूम करने के आप इसको बंद नहीं कर सकते तो केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी ये सोचना चाहिए कि अब गेहूं की फसल आएगी चावल की फसल पहले गई है तो इनको एम के साथ कुछ पैसे स्टबल बनने के लिए दें मेरे पास हमारे पास हर चीज़ का इलाज है अगर केंद्र सरकार करना चाहे तो मैंने ये भी इनको दे दिया है कि आप किसान को कुछ पैसे दे दो वो फस फँ से इकट्ठी करके किसी फैक्ट्री को दे देगा या कहीं कंज्यूम कर लेगा या अपनी आ। पर हमने देखा इस दफा हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक रिपोर्ट भी की कि पराली हटाने की जितनी भी मशीनें थी जो काफ़ी पैसे खर्च करके खरीदी गई वो तो ऐसी ही पड़ी थी जंग खा रही थी मिट्टी लग रही थी उस पर उसका यूज़ ही नहीं किया आपकी सरकार ने कुछ ही नहीं किया मैं मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये अननेसेसरी सरकारों मेरी सरकार को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है आप ये बेनिफिट किसान को दो कि आप अपने खेत से पराली हटाओगे और हम आपको इतने पैसे देंगे वो किसान से तय कर लो खर्चा पता कर लो कितना आता है आप नो लॉस नो प्रॉफिट भी दे दो तब भी किसान करने के लिए तैयार है तब पंजाब सरकार भी किसान को कह सकती है कि क्यों करते हो अब हम एफ करते हैं किसान कहता है यार हमारा तो जो आमदन होती है इसको इकट्ठा करने में निकल जाती है तो केंद्र को सोचना चाहिए और उनको कुछ पैसे उसको उठाने के लिए देने चाहिए ताकि वो बर्न ना कर सके जिससे और ये जरूरत भी है तो ये हो जाए तो सारा मसला हल हो जाएगा इस चुनाव में आप अपने सबसे बड़े विरोधी के तौर पे किसको देखते हो क्योंकि एक तरफ अकाली दल है जिस पर अभी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई उनकी बी से अंडरस्टैंडिंग हुई है और वो भी एक बड़ा वोट बैंक है क्योंकि अकालियों का अपना वोट बैंक है अगर बी का जो दलित वोट बैंक है वो जुड़ जाए तो वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी से बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस है कांग्रेस में भी अलग अलग टाइप के कैंप है लेकिन एक कांग्रेस है तो आप किसको देखते हो अपना सबसे बड़ा ऑपोजिशन मेरा विरोधी सबसे बड़ा चरणजीत सिंह चन्नी है जो सीएम है पंजाब का वो कैसे मैं खुद को ही अपना विरोधी मानता हूँ मैं खुद को कहता हूं यार ये काम करो लोगों का ये काम कर दो समय से उठो जल्दी तैयार हो जाओ लोगों को मिलो आज आज तक वालों ने बुलाया लेट नहीं होना है आपने समय से पहुंचना है और ये ये काम करने हैं ये बोलना है आपने अपने आप को स्ट्रेंथन कर लो सारा कुछ ठीक हो पर जाएगा। ये बात सही है अगर कोई पुराना चीफ मिनिस्टर होता और हम लोग कहते कि सुबह दस बजे एजेंडा आज तक में पहला सेशन आपका है पिछले कई चीफ मिनिस्टर अगर आप ले लो तो सुबह दस बजे तैयार होकर पकड़ी बांध के आना बड़ा मुश्किल ही था सर ये तो बात माननी पड़ेगी आपकी एक ऐसा मैं मैं खुद ही अपना विरोधी हूँ खुद ही अपना आलोचक हूँ मैं हर समय अपने आप को स्ट्रेंथन करने में लगा रहता हूँ मेरी सोच ये रहती है कि मेरे जो लोग हैं जिनके लिए मुझे दायित्व दिया गया है मैं उस पर पूरा उतरूँ और लोगों के लिए पूरा काम करूँ आपके बड़े विरोधी अरविंद केजरीवाल भी हैं आम आदमी पार्टी पिछली बार रह गई थी उनको लग रहा है कि ये उनका मौका मैं दिखाना चाहता हूं कि इसी मंच पर आ, जब अरविंद केजरीवाल आए तो उन्होंने आपके काम के के बारे बारे में में आने वाले चुनाव चंदी साहब भी कर कुछ नहीं रहे रोज ऐलान पे ऐलान करते हैं ऐलान पे ऐलान करते हैं उन्होंने कहा कि गरीबों को हम पांच पांच मरले के प्लॉट देंगे अब तो सरकार है उनकी दो दे, देना तो शुरू तो करें कम से कम एक भी आदमी को अभी तक प्लॉट नहीं दिया फिर उन्होंने कहा बुढ़ापा पेंशन ढाई हज़ार कर देंगे पाँच साल में उन्होंने नहीं की फिर उन्होंने कहा था किसानों के लोन माफ़ करेंगे वो भी नहीं किए कल चन्नी साहब ने कहा कि मैं तो मुख्यमंत्री बनने वाला ही नहीं हूँ मैं तो मुख्यमंत्री की रेस में ही नहीं हूँ तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये जितने ऐलान मैं कर रहा हूँ अब अगला भुगतेगा जो भी आएगा हमने कहा हर अट्ठारह साल से ऊपर की महिला को एक हज़ार रुपये महीना देंगे तो टोटल आठ हजार करोड़ रुपए के करीब का खर्चा है विमेन तो करप्शन को बचा लेंगे अगर ये रेते की चोरी बच तो चौवन हजार तो करोड़ हो गया अभी तो मैंने दस हजार करोड़ की आपको अभी भी उम्मीद है कि नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में आएंगे आपका सीएम फेस बनेंगे कोई पार्टी में नहीं आ रहे पता नहीं आपको किसने बहका दिया कपड़े तो तुम्हें भी चंगे पा के आए हो नहीं मैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं तो हमेशा ये हिट पाता हूँ हाँ जी पूछिए नहीं तो वो कह रहे हैं कि आप झूठे वादे करते हो जैसे बिजली का आपने अनाउंस किया उन्होंने कहा किसी को बिल तो आया नहीं जीरो रुपीस का कि बिल तो अभी भी वैसे ही आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि आप झूठे झूठे वादे कर और आप ऐसे बोल रहे हो ये अभी मानने वाली बात है मतलब बोल दिया आना तो है नहीं मैंने अब जो आएगा वो देखेगा कि क्या यार मैं एक बात पूछना चाहता हूँ ये आप इस दिल्ली वाले इसको लेकर कहाँ से आए यार ये बंदे को आप यार ये क्या बंदा है क्या शानदार बंदा है ये देखो कैसे घुमाकर हर बात को अपने तरीके से झूठ बोलता है ये कोई सही बात की इसने अभी मैं हैरान हूँ शुक्र है अच्छी कोटी खरीद ली इसने एक जो स्वेटर कपड़े अच्छे स्वेटर अच्छे खरीद लिए मेरे कहने से इतना तो फायदा हो गया लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितनी बातें की हैं सारी इम्प्लीमेंट है, पंजाब में हो रही हैं इन्होंने कहा कि पांच मरले के प्लाट कहाँ दे रहे हैं तीस हज़ार लोगों को जिनको दिया है कल मैंने उनका दिखाया है कल या परसों मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसकी हर चीज़ का जवाब दिया आज अखबारों में भी शायद लगा है हर वो काम जो मैंने ऐलान किया है उसको इम्प्लीमेंट किया है नोटिफिकेशन साथ दी आप सुनो पेट्रोल के रेट कम किए तो आप पेट्रोल पंप पे जाओ और 10 लीटर तेल लो आपको पहले से सौ रुपया बच जाएगा डीजल लो एक ड्रम एक हजार रुपया बच जाएगा क्योंकि वहाँ रेट कम कर दिए अभी भी हमारे रेट दिल्ली से कम हैं इन्होंने मेरा रीस करके पेट्रोल तो कम किया डीज़ल कम नहीं किया हमारे रेट कम हो गए बिजली के बड़े बड़े बिल आ गए थे पंजाब में पंद्रह करोड़ रुपये का मैंने लोगों को राहत दी है बिजली के बिलों में लिख कर आ गया है कि आपका पुराना बकाया पंजाब सरकार ने पे कर दिया है आप बिल चेक कर लो ये कहते हैं जी किसी की जीरो बिल नहीं आता 200 यूनिट तक बिजली 22 लाख परिवारों की माफ है उनमें से ज़्यादातर का जीरो बिल आता है जो 200 यूनिट तक बिजली खपत करते हैं बिजली के रेट तीन रुपये कम किए मैंने नोटिफिकेशन कर दिया है फर्स्ट नवंबर से हुआ है अब ये पंद्रह नवंबर को बोल रहे हैं कि जी जो बिल आया उसमें तो कम नहीं हुए यार ये तो अक्टूबर का बिल आया ना जब नवंबर का आएगा और दिसंबर का आएगा तब आपको पता चलेगा ना रेट कम हो गए क्योंकि फर्स्ट नवंबर से लागू किए हैं कोई इशू जो मैंने टच किया है मैं साथ साथ उसको उसी समय करता हूँ आज कैबिनेट हुई है अनाउंस हुआ है तो नेक्स्ट डे नोटिफिकेशन हो जानी हर चीज़ की हो चुकी है बिजली के समझौते थे हमने विधानसभा बिलाकर रद्द कर दिए रद किसानों के 2013 में एक बिल बनाया था अकाली दल ने जिसको बेस बनाया गया यहाँ ये तीन काले कानून लेकर आने का उसको भी मैंने रद्द कर दिया कोई एक बात बताए ना सामने बैठ कर के ये नहीं हुई मैं उसकी नोटिफिकेशन देता हूँ हर चीज़ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ स्क्रीन लाकर प्रूव की है अब ये कह रहे हैं जी कि एक हज़ार रुपया हमने औरतों को पंजाब में देना है मैं कहता है, एक क्यों देती है यार पाँच हज़ार दो कम दे रहे हो आप एक हज़ार लेकिन दिल्ली से शुरू तो कर दो ना आप दिल्ली में देते हो तो पंजाब में भी दो वहाँ लोगों को चुनावी भरोसा देकर बेवकूफ़ बनाने की क्या ज़रूरत है यहाँ से शुरू करो पहले यहाँ भी तो औरतें रहती हैं उनको आप दस हज़ार दो दिल्ली में मुझे खुशी होगी पाँच हजार हमारे पंजाबियों को दे दो अगर कम देना चाहते हो लेकिन आप दे ही नहीं रहे हो यहाँ तो वहाँ कैसे दोगे आप किसानों की बिजली माफ़ करने की बात करते हो हमने की है पंजाब में हर किसान के खेत की बिजली माफ़ है आप दिल्ली में भी कर दो ना दिल्ली में तो कर नहीं रहे हो वहाँ कैसे कर दोगे आप पेट्रोल के दाम हमारे से कम करो ना यहाँ आप बिजली के रेट हमारे से कम करके दिखाओ मैंने तीन रुपये कम किए आप चार रुपये करो ना यहाँ दिल्ली में फिर मैं मानूंगा आप अच्छा काम करते हो मैं भी आपसे सीखूं कुछ अब ये बातें मैं थोड़ी इनसे सीख कर जाऊंगा दिल्ली से हमारे पंजाबियों में बहुत कुछ है वो अच्छे हैं उनको लियाकत है इंटेलिजेंट है मैं उनसे सीख लूंगा यार इससे क्यों सीखूंगा ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है बंदा एक भी बात सच्ची नहीं की जितनी बोला ये लेकिन मैं फिर भी इसकी कदर करता हूँ कि कुछ ना कुछ तो इससे सीखने को मिलता है पर मैं ये नहीं क्या सीखा आपने केजरीवाल से मैं इससे सब कुछ सीखने को तैयार हूँ लेकिन ये सीखने के लिए नहीं तैयार हूँ कि लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाना है वो बात मैं इससे नहीं सीखना चाहता चलो कुछ सवाल लेते हैं ऑडियंस से है, हमारे पंजाब के ब्यूरो चीफ है सत्यन्द्र चौहान चुनाव में अहम रोल प्ले करेंगे हमारी कवरेज में इनसे एक सवाल लेते हैं दीजिए चन्नी साहब आप जैसे ही मुख्यमंत्री बने मुख्यमंत्री बनते ही आप केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात आपकी हुई और उस मुलाकात के कुछ घंटों बाद एक नोटिफिकेशन आती है और उसमें यह कहा जाता है कि बीएसएफ का दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया जाता है और आप ही के पार्टी के नेताओं ने सबसे पहले ट्वीट किए आपके पार्टी के नेताओं ने सबसे पहले इसका विरोध किया और विपक्षी पार्टियों ने कहा कि चन्नी साहब गृहमंत्री से मिल के आए हैं और वो ये करवा के आए हैं इसके पीछे क्या सच्चाई है? देखो जब कोई मुख्यमंत्री बनता है डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो एक मुख्यमंत्री का फर्ज बनता है कि वो प्राइम मिनिस्टर से जाकर और होम मिनिस्टर से जाकर एक बार कटसी कॉल करें मैं उनसे मिलने गया मैंने दो बातें की थी किसानों के बिल की बात की थी कि ये किसान जो विरोधी एक्ट हैं इनको ख़त्म करो वो हो रहे हैं दूसरा मैंने कॉरिडोर खोलने की बात की थी हिमाचल पाकिस्तान का वो भी खुल गया है इन दोनों के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ लेकिन ये उन्होंने किया है इसका मैं विरोध करता हूँ हमारी पंजाब पुलिस जिसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जो सक्षम है अपनी सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा स्टेट सब्जेक्ट है हमारा स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारा सब्जेक्ट है हम उसको कर रहे हैं और पंजाब में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है इसलिए ये जो 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया है इसकी हम विरोध करते हैं हमने विधानसभा में रेजुलेशन लाकर सर्वसम्मति से रेजुलेशन किया है कि इसको ख़त्म किया जाए और हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया है और अगर ज़रूरत पड़ी तो एजिटेशन भी करेंगे लेकिन ये हमें मंजूर नहीं है हमारी पुलिस वहाँ काम कर रही है और सही काम कर रही है केंद्र जैसे इन्होंने जे एंड के में किया है वैसे ही करने की पंजाब में कोशिश ना करें ये बिल्कुल गलत है बॉर्डर एरियाज़ की बात हो रही है हाल ही में अकाल तख्त के जातेदार ने कहा कि बॉर्डर एरियाज़ में कन्वर्जन हो रहा है धर्म परिवर्तन हो रहा है और जो गरीब लोग हैं वो क्रिश्चियंस बन रहे हैं क्योंकि वहाँ मिशनरीज बहुत एक्टिव है पंजाब में एंटी कन्वर्जन कानून है नहीं आप ये जो मिशनरी की एक्टिविटी है धर्म परिवर्तन का सवाल है उसको कैसे देखते हैं ऐसा है कि ये देश अलग अलग धर्मों से है जो जिसको मानना चाहता है वो उसको माने मैं तो किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप क्रिश्चियन हो जाओ या आप मुस्लिम हो जाओ या आप हिंदू हो जाओ जिसकी जो अब ये है कि मेरे परिवार को कोई छोड़ कर जा रहा है तो मैंने देखना है कि मेरे में क्या गलती है उसकी अशाई उसके पास है उसकी उसकी गलतियाँ भी उसके पास हैं मेरी अशाई मेरे पास है मैं अपने परिवार को फोल्ड में रखने के लिए उनको एक अच्छा माहौल दूँ तो मेरा परिवार मेरे साथ रहेगा कोई छोड़कर नहीं जाएगा तो हमें और दूसरा ये है सेकुलर देश है कोई किसी की तरफ भी जा सकता है हाँ अपने जो जथेदार जी हैं वो अपनी जगह सही है वो सिख कौम के सरमौर है उन्होंने सिख कौम की बात करनी है और अच्छी बात करते हैं हमेशा उनको करनी चाहिए आ, हमारे न्यूज़ रूम में पंजाब की कवरेज देखते हैं हरमीत सिंह शाह वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं हरमीत सत श्रीकाल चन्नी साहब ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਮੁਖਸਰ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਦ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਦਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਈਡਿਓਲੋਜੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਕੀ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਰਹਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏ ਸਾਹਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹ ਵਾਲੀ ਉਹਨਕੇ ਸਾਥ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ वो एक पंजाबी दी कहावत है कि जिथे चलेगा चिल्लेंगू ही नाल तेरे टिकटा दो ले ली सिद्धू साहब मेरे बड़े भाई हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं तो मैं कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री की मुझे सेवा मिली हुई है तो मैंने पार्टी की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करके उनको आगे बढ़ाना है जो हमारी हाई कमांड और पार्टी कहती है मैं वो करता हूँ आपकी लड़ाई हुई है अब तक उनसे मतलब पर्दे के पीछे वो आपके खिलाफ ही बोलते रहते कभी कभी तो इरिटेट हो जाते हो गए यार ये क्या है मेरे को ऐसी फ़ोन करके बोल दिया करो मेरे खिलाफ पब्लिक में क्यों बोलते हो मैं किसी से लड़ता नहीं हूँ मैं अपने आप से ही लड़ता हूँ आप मुझे कितना कुछ बोलते हैं मैं लड़ रहा हूँ आपसे मैं कुछ नहीं बोलिया मैं तो, 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 तो इसीलिए ना वो भी मुझे नहीं बोलता है मैं प्यार प्यार से ही आगे बढ़ना चाहता हूँ लोगों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ देश को आगे और अपने स्टेट को आगे लेकर जाना चाहता हूँ लड़ाई की इसमें स्थान ही नहीं है हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर हैं अशोक सिंगल वो सवाल पूछना चाहते हैं अशोक जी चनी साहब मेरा सवाल ये है सिद्धू की काफ़ी बात हो रही है और मेरा भी सवाल थोड़ा उसी टाइप का है आप आप पंजाब की बात कर लो यार आप पंजाब की ही है हाँ। सिद्धू पंजाब में ही और पंजाब हाँ। को लेके ही सवाल हो रहे हैं चनी साहब विरोधी तो आपको टारगेट कर ही रहे हैं और लेकिन आपको अपनी पार्टी के लोगों भीतर से भी निपटना पड़ रहा है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है दो का चुनाव को निपटना या नवजोत सिंह सिद्धू को क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू बार बार ये कह रहे हैं अभी उन्होंने कहा एस आई टी की रिपोर्ट जो ड्रग को लिखे है उसको सार्वजनिक करना चाहिए अदरवाइज वो धरने पर बैठ जाएंगे ऐसा है डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए तो सिद्धू जी अगर पार्टी के कोई बात करते हैं तो हमें उसको भी सुनना है अगर बाहर से कोई बात करता है हमने उसको भी सुनना है हमने सबको साथ लेकर चलना है सबका साथ मिलकर ही इकट्ठे होकर एक गुलदस्ता बनकर ही पंजाब आगे आएगा बड़ा चैलेंज क्या है सिद्धू या 2022? अरे ना तो मुझे मुझे कोई चैलेंज नहीं है आपको कोई खतरा हो तब आपको चैलेंज होगा ना मुझे खतरा ही कोई नहीं है ये मैं तो ये अपनी लोई लेकर आया था यही लेकर चले जाना है एक दिन तो मुझे क्या खतरा है बताओ खतरा उसको है जिसको कुछ छीन जाने का खतरा हो मुझे कोई खतरा ही नहीं है

जो एस की रिपोर्ट है वो कोर्ट का मसला है मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि जब उस पर ट्वीट आता है या जब कोई बयान आता है तो हाई कोर्ट पे असर पड़ता है अब मेरे मैं उसको जल्दी खोलना चाहता हूँ चार डेट्स मिल गई हैं आगे कल को फिर डेट है जज फिर अगर डेट दे गए तो तो प्रॉब्लम आ जाएगी इसलिए कल को ही डेट है इसलिए आज मैं इस पर बात नहीं करना चाहता फिर किसी दिन आऊँगा तो आपको पूरी डिटेल में बता दूँगा आप बात सुनो आप बात सुनो मैं मत मैं स्कूल में भी इलेक्शन लड़ा था कॉलेज में भी इलेक्शन लड़ा बाप दादा मेरा कोई मंत्री या एमएलए या बड़ा आदमी नहीं था मैं तीन बार म्यूनसिपल कमेटी का एमसी बना हूं, दो बार म्यूनसिपल प्रेसिडेंट बना हूं, फिर मैं तीन बार एमएलए एक बार इंडिपेंडेंट एमएलए जीता हूं मुझे अपोजिशन लीडर बनाया गया आज मुख्यमंत्री बनाया गया मैं जिस स्टेज पर ही भी काम किया है जिस लेवल पे भी काम किया है दृढ़ता से और निश्चय से किया है गुरु साहब जिस दिन मैंने ये मुख्यमंत्री का काम संभाला तो उस दिन बोला था देश सेवा बर मोहे ये हैं शुभ कर्मन से कब हूँ ना डरूँ मैं अच्छे काम करने के से के लिए गुरु की शब्द लेकर निकला हूँ डरता नहीं ये सुनील जी भट्ट हैं जम्मू से हमारे कॉरिस्पों को आपसे चन्नी साहब नमस्कार मैं जम्मू से हूँ बिल्कुल पड़ोसी राज्य है पंजाब का हमारे जितने भी पंजाब से मित्र हैं उनसे हम बात करते हैं वो कह रहे कि पंजाब में एक परसेप्शन है कि चन्नी साहब तो कुछ महीने के लिए हैं चुनाव खत्म होगा तो सिद्धू साहब जो है आगे आएंगे और वो सी की कुर्सी को लेकर लड़ाई होगी तो अगर ये परसेप्शन पंजाब की जनता में रहेगा तो आप चुनाव कैसे जीतेंगे क्योंकि एक असमंजस की स्थिति है कन्फ्यूजन है चुनाव पार्टी ने जीतना है चरणजीत चन्नी ने नहीं जीतना है कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ रही है तो पार्टी ही जीतेगी मैं यही हमारे में दिक्कत रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी समझते थे कि पार्टी उन्हीं की है अरे पार्टी पार्टी है लोगों की है तो लोग आगे लेकर आएंगे पार्टी को और पार्टी आगे बढ़ेगी ये अनिलेश महाजन ने हमारे कॉरस्पोंडेंट हैं इंडिया टुडे मैगजीन के आप सवाल पूछना था अनिलेश चन्नी साहब सत सताल ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ 1984 ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 84 ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੂਝੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਥੇ ਤੋਂ ਹਮਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਾਤ ਉਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਥੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਯੁੱਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇ जो रजवाड़ा शाही लीड क्लास का राज था वो ख़त्म होकर आम लोगों में आ गया है ये युग का परिवर्तन हुआ है ये राहुल गांधी ने किया है राहुल गांधी एक ऐसी सोच का मालिक है कि गरीब लोगों को आम लोगों को पावर देना चाहता है गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था जिनके जात गोत कुल माही सरदारी ना पई कताही तिन ही को सरदार बनाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊँ इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि जिन लोगों को कभी कुछ नहीं मिला है मैं उनको वो सब कुछ दूंगा उनको लीडर बनाऊंगा उनको आगे लेकर आऊंगा ये गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कांग्रेस आज उसी आइडियोलॉजी पे काम कर रही है गुरु गोविंद सिंह की सुनकर काम कर रही है उ उनकी शिक्षाओं पे काम कर रही है और कांग्रेस ने युग का परिवर्तन किया है आम लोगों के पास सत्ता आ गई है ये राहुल गांधी का कृष्णा है राहुल गांधी और ये परिवार कई बार माफ़ी मांग चुका है और माफ़ी मांगने में कोई गलत नहीं होता अगर कोई बात हुई है उससे माफ़ी मांग लेना कोई गलती नहीं हमने चनी साहब इस सेशन की शुरुआत की थी कुछ भांगड़ा करके एक म्यूज़िक का ट्रैक हम लोगों का तैयार है हम चाहते हैं कि क्लोजिंग भी उतनी धमाकेदार हो आपका जैसे अराइवल हुआ था ढोल नगाड़ों के साथ ढोलकी के साथ आपकी यहाँ से विदाईगी भी वैसे ही होनी चाहिए तो कैन भी अरे भैया बाजी थोड़ा मुझे कहे? शादी में बुला लेना खूब नीचे नाचेंगे सर मेरे बच्चे हले बहुत छोटे छोटे हैं। शादी से बहुत वेट करना पाऊंगा कोई बात नहीं किसी दोस्त की भी बुला लेना <laughs> लेकिन जो शादी और जो जहा भंगड़े का हाँ किसी दिन हम बड़ा प्रोग्राम रख लेते हैं आज तक आज तक का होर्डिंग और सब कुछ कर लेंगे वहाँ वहाँ सब कुछ करेंगे ये अब यही लोग नाचें